दोस्तों ठंडी का मौसम शुरू हो गया है और ऑलरेडी हमें कफिंग यानी खांसी वाले पेशेंट मिलना शुरू हो गए हैं। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे, ट्रीटमेंट जानेंगे, कॉज जानेंगे, ताकि ये ना हो कि आप मेडिकल पे जाएं और मेडिकल वाला कोई भी दवाई कोई भी सिरप आपको पकड़ा दे और आप पी लो और आगे चल के ठीक ना हो, अलग बात। तो इसी के बारे में हम कफिंग के बारे में यानी खांसी के बारे में जानेंगे और उसमें भी हम ड्राई कफ यानी सूखी के खांसी के बारे में जानेंगे। ऑलरेडी मैंने वेट कफ यानी गीली खांसी के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख सकते हो। तो सूखी खांसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। सूखी खांसी होती क्या है, ड्राई कफ होता क्या है? ऐसी खांसी जिसमें कफ ना निकले यानी नॉन प्रोडक्टिव म्यूकस, नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी बलगम ना निकले, उसे हम सूखी खांसी कहते हैं। सिम्टम्स आपको बता देता हूँ। खांसी कर करके गला जो होता है एकदम लाल हो जाता है और हल्का हल्का खुजलाहट, खुजलीपन महसूस होता है, कुछ घुटने में आपको दिक्कत होगी, ऐसा कुछ सिम्टम्स मिलते हैं सूखी खांसी में। होता क्यों है दोस्तों, कुछ धूल मिट्टी गई, इरिटेशन हुआ, उसके वजह से सूखी खांसी आती है, बट लगातार आती है, ऐसा कुछ सिम्टम्स कॉज हमें मिलते हैं दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, क्या ले सकते हैं दोस्तों। हमेशा ये याद रखना, सूखी खांसी में कोई भी दवाई आप कोई भी सिरप नहीं ले सकते। ऐसे सिरप जिसमें डेक्सट्रोमीथोरफेन ये कंटेंट प्रेजेंट हो वही आपको सिरप लेना है। क्लोरोफिनारामाइन बाकी सब ये तो सेकेंडरी कंटेंट हो गया, बट जिस सिरप में डेक्सट्रोमीथोरफेन हो वो कंटेंट सूखी खांसी के लिए रामबाण इलाज का काम करता है। तो कभी भी आप मेडिकल से डायरेक्ट या केमिस्ट से प्रोडक्ट परचेस करें, सिरप परचेस करें, तो उसमें ध्यान दें डेक्सट्रोमीथोरफेन ये कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सूखी खांसी है तो। अगर लेने के बाद डेंटू आपको रिलीफ नहीं होता है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से विजिट करके आगे की मेडिसिन या सपोर्टिव मेडिसिन उनसे पूछ के ले सकते हो दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियोज़ कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कुछ भी इस वीडियो से दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।